नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और आज की ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस के हाथ से फिसला गैंगस्टर अंकित भादू और पुलिस के बीच में हुई है फायरिंग। हरियाणा पुलिस कर रही थी अंकित भादू का पीछा। हरियाणा पुलिस से को छका करके अंकित भादू फरार हो चुका है। श्री गंगानगर SP समेत शादुल शहर पहुंची पुलिस मौके पर। ग्रामीणों ने बताया था कि खेतों से अज्ञात व्यक्ति को उन्होंने भागते हुए देखा और उन्होंने खड़े ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश की है उसने और चाबी लगा करके स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ और उसने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में किसी का मोटरसाइकिल लेकर के भाग गया। वहीं बताया जा रहा है कि हरदेव मिस्त्री का मोटरसाइकिल लेकर के भागा है गैंगस्टर। मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। गदरखेड़ा चौक पर हुई है फायरिंग। गैंगस्टर अंकित भादू और पुलिस के बीच में फायरिंग हुई है। हरियाणा पुलिस कह रही थी अंकित भादू का पीछा। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि गदरखेड़ा चौक पर फायरिंग हुई है गैंगस्टर अंकित भादू के साथ। फायरिंग के दौरान पता चला है कि वह अपनी कार छोड़ करके बाइक से भागा था। हमले में 3-4 लोगों को चोटें भी आई हैं। गैंगस्टर का पीछा किया जा रहा है और शादुल शहर से बाइक पर फरार होने की सूचना मिली थी। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में करवाई गई है नाकाबंदी। IG दिनेश MN स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बातचीत से पता लगा है कि बोले हैं दिनेश MN, उन्होंने कहा है कि पुलिस की फायरिंग के बाद में वह खेतों से निकल करके भागा था। वहीं चूरू की पुलिस पूर्ण सतर्क है। प्रत्येक रास्ते पर हथियारबंदी नाकेबंदी की गई है। SP रामूर्ति जोशी अनुसार गैंगस्टर अंकित भादू जो है चूरू जुलिस में प्रवेश करने से पहले ही मारा जाएगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि काबू में आ जाएगा। उन्होंने कहा उससे पहले ही वह पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर वह किसी तरह से यहां पर भाग करके आ गया, यहां तक पहुंच गया, तो यहां हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। वही पता चला है कि नूरपुरा गांव के पास में बाइक उसकी पड़ी मिली है। अब किसी राहगीर की कार छीन करके वह फरार हो चुका है, उसकी सूचना भी मिल रही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और हरियाणा पंजाब पुलिस कर रही है उसका पीछा। IG दिनेश MN जयपुर से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। अंकित भादू मोस्ट वांटेड है, जिसके पीछे हरियाणा पंजाब और सभी पुलिस लगी हुई हैं। इसी बीच में कई अफवाहें भी आ रही है, लेकिन हमें विवरण का इंतजार है। वहीं बताया जा रहा है कि संग्रिया और हनुमानगढ़ के बीच में कैंची पर पुलिस और अज्ञात गैंग के बीच में फायरिंग हो रही है। पुलिस फायरिंग के दौरान वह उसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन वह है वहां से फरार हो चुका है। हनुमानगढ़ की तरफ से आने की संभावना बताई जा रही थी। इसके पास में मोटरसाइकिल नंबर RJ13 और 1M7881 है। काली स्प्लेंडर थी और सफेद शर्ट चेकदार पहने हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल तो बरामद कर लिया गया है और किसी की कार लेकर के फरार हुआ था। वहीं गोली लगने पर पुलिस की गोली से वह घायल होने की भी सूचना आ रही है। जी हाँ, वो हरियाणा पुलिस पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसको भी उसने छका दिया और बाद में वहां से फरार हो चुका था। चारों तरफ से पुलिस ने घेराव डाल लिया है। पुलिस कोना कोना छान मर रही है, तलाश कर रही है। तीनों स्टेट की पुलिस चारों तरफ से जो है नाकेबंदी कर चुकी है। हनुमानगढ़ पुलिस SP अनिल कयाल कह रहे हैं कि नाकाबंदी और मॉनिटरिंग जारी है और वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या गैंगस्टर को जो है उसका एनकाउंटर हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ तमाम खबरों के साथ, हम आपको हर अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। बताया जा रहा है कि भादू की FB के ऊपर में FB पर एक पोस्ट डाला गया है। फरार गैंगस्टर अंकित भादू की फेसबुक आईडी है वो, उस पर धमकी लिखी हुई है। लिखा है कि चुनाव में जो जॉर्डन ग्रुप से खड़ा होगा वह हमारा दुश्मन होगा। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, हथियारबंद पुलिस वाले हैं और नाकाबंदी की हुई है चारों तरफ से। जल्द ही एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया जाएगा या काबू कर लिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साथ में वो घायल भी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हो चुका है, तो संभव है कि जल्द ही पकड़ा जाए। टकराव हुआ है। नरेंद्र पुनिया ने बताया कि कोई अपराधी है, वो कार पे आ रहा है। तो हम जब पहुंचे गदरखेड़ा चौराहे पे, तो वो नहर है, गदरखेड़ा नहर है, जो SBS नहर है, इस नहर की पटड़ी में निकल गए। उनके पीछे रास्ता पुलिस की गाड़ियाँ थी और उसके बाद में वहाँ आगे नरेंद्र जी और काफ़ी पुलिस वाले अपने जो पहुँचे हैं आगे, उनको पता है। फिर वो आगे वहाँ से निकल गया, बताया गया। यहाँ से कोई सुराग मिला जी?
यहाँ से कोई सुराग? यहाँ अब आने का था, लोग बात कहते थे लेकिन कोई खोज नहीं है इधर भगने भुगने का, और आगे हम तलाश कर रहे हैं। ओके ओके।